गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में भी बताया था। उससे पहले की क्लास में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, उनके बारे में बात की थी। और मैंने आपको यूनिवर्सल डोनर के बारे में भी बताया था। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सल डोनर से और यूनिवर्सल रेसिपिएंट से, दोनों याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ भैया, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सारा का सारा ही खेल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को सीखने के लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद कर लीजिए, सारा खेल खत्म। देखो, सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं भाई? जो ब्लड ग्रुप है आपके वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। फिर प्रत्येक को दो भागों में बांटा जाता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो लास्ट क्लास में हमने ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव की बात कर ली थी, उससे पहले वाली क्लास में ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला एक छोटा सा डायग्राम है, ये सीख लीजिए। यहाँ पर मैं ए बी, ए बी और ओ बनाने वाला हूँ। तो ये क्या है? ये हमारे ब्लड ग्रुप है भैया, ठीक है। तो ऊपर मैंने बना दिया ओ ब्लड ग्रुप, इधर मैंने ए ब्लड ग्रुप बना दिया, इधर मैंने बी ब्लड ग्रुप बना दिया और नीचे हमने ए बी ब्लड ग्रुप बना दिया, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, ए इधर से आया, बी इधर से आया और ओ ऊपर रह गया और ये ए बी का निर्माण हो गया नीचे, ऐसे याद कर सकते हो। अब आपको तीर के निशान ऊपर से नीचे की ओर लगाने हैं, ठीक है। तो भैया सबसे ऊपर कौन है? ओ है। तो ओ से ए की तरफ भी तीर का निशान जाएगा क्योंकि ओ के नीचे ए बी है। बराबर में नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे लगाना है। ओ से बी की तरफ भी जाएगा क्योंकि बी भैया ओ से नीचे भी है, और ओ से भैया ए बी की तरफ भी आएगा क्योंकि ए बी नीचे है। फिर इधर देखिए, ए के बराबर में बी बैठा है, इसकी तरफ तीर का निशान नहीं जाएगा। ए के ऊपर ओ बैठा है, इसकी तरफ भी तीर का निशान जाएगा। ए के नीचे ए बी बैठा है तो इसकी ओर तीर का निशान आएगा। वैसे ही बी के साथ है, बी के बराबर में ए बैठा है तो इसकी तरफ तीर का निशान नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ ओ बैठा है, उसकी तरफ तीर का निशान नहीं जाएगा। नीचे की तरफ ए बी बैठा है, इसके तरफ तीर के निशान जाएगा। अब इस तीर का निशान का मतलब क्या है तो वो समझ लीजिए। जैसे कि मैंने ये तीर का निशान बनाया, ठीक है, तो ये जिस ओर ये एरो आ रहा है, जिस ओर आ रहा है उसका मतलब ये है कि वो ब्लड को एक्सेप्ट करता है। वो ब्लड को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जिस ओर से आ रहा है उसका मतलब क्या है कि वो डोनेट करता है। अब देखिए, जैसे कि ओ है, अब ओ से ए की ओर तीर का निशान आ रहा है, उसका मतलब ये है कि भैया ओ ब्लड दे रहा है। किसको दे रहा है? ए को दे रहा है, यानी कि ए एक्सेप्ट कर रहा है। और डोनेट कौन कर रहा है? ओ कर रहा है। ये तीर का निशान का मतलब है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखो भैया, और आपको क्या याद रखना है? और आपको ये याद रखना है कि समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट भी कर सकता है और उससे ले भी सकता है। इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो सामने वाला अगर कोई व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसको ब्लड दे भी सकता है और उससे ब्लड ले भी सकता है। अगर मान लीजिए सामने वाला कोई ए मिल गया तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट भी कर सकता है और उससे ले भी सकता है। वैसे ही भैया ओ वाला भी क्या करेगा? दे देगा और ले लेगा। वैसे ही ए बी वाला भी क्या करेगा? दे देगा और ले लेगा। अब इस चीज़ से आप ये पता लगा सकते हो कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। मैं आपको बना करके बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम ए के बारे में बात कर रहे हैं तो ए के बारे में ही देख लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, अब ये किस किस को ब्लड डोनेट करता है? देखो मैंने इधर की तरफ तीर का निशान किया, इसका मतलब ए ब्लड डोनेट कर रहा है। अब किसको कर रहा है? तो जिसकी तरफ तीर का निशान ओ से जा रहा है उसको कर रहा है। तो भैया ए ए को कर सकता है,
क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए वाले ने एक को ए को किया, इसके अलावा इसकी ओर से तीर का निशान नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये ए बी को भी दे सकता है भैया, ठीक है। ये दो को दे रहा है, इसके अलावा और किसी को नहीं दे रहा। अब ये किससे एक्सेप्ट करता है, बात ये आती है भैया। तो देखो ए ए से भी एक्सेप्ट कर लेगा और ये ओ से भी एक्सेप्ट कर लेगा। इससे आपको पता लगा है कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे रहा है और भैया ए बी को दे रहा है, लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट कर रहा है, ए से भी एक्सेप्ट कर रहा है, ओ से भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस सारणी के माध्यम से आप पता लगा सकते हो, ठीक है भैया। बी के बारे में जान लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे रहा है, एक तो बी को भी दे देगा और भैया एक ए बी को भी दे देगा। देखो तीर का निशान नीचे की ओर आ रहा है, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले लेगा, तो स्वयं स्वयं से तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ में ओ से, देखो बी की ओर तीर का निशान आ रहा है तो ये ओ से भी ले लेगा। तो बोलो ये चीजें समझ में आई आपको दोनों। अब ए बी के बारे में और जान लेते हैं भाई, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसको ब्लड दे सकता है, तो सिर्फ ए बी को दे सकता है, इसके अलावा और किसी की ओर तीर का निशान नहीं जा रहा है इसका। लेकिन ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जब किसी से ब्लड लेगा तो किससे ले सकता है, बी से ए बी की ओर तीर का निशान आ रहा है तो बी से ले सकता है, ठीक है। ओ से आ रहा है तो ये ओ से ले सकता है, ए से आ रहा है तो ये ए से ले सकता है, और स्वयं ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। तो ये ए बी की कहानी समझ में आ गई, ठीक है भैया। अब ओ की बात कर लेते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो देखो ओ वाला ओ को दे सकता है, ठीक है। ओ वाला ए को दे सकता है, ठीक है। ओ वाला बी को दे सकता है, ठीक है। ओ वाला ए बी को दे सकता है, ठीक है। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ये ओ वाला किससे ले सकता है, तो भैया याद रखना ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले रहा है। तो ये आपको ओ की कहानी भी समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है एक, और एक ऐसा है जो सबको दे रहा है। अब देखो ओ वाला है ये सबको दे रहा है भैया, ओ को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, तो ये ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा भैया यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो है ये सबसे ले रहा है, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा भैया यूनिवर्सल रेसिपिएंट, या एक्सेप्टर भी कह सकते हो आप, या फिर रेसिपिएंट भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब भैया यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बताने के लिए आपको एक डायग्राम की आवश्यकता और होगी, पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, नोट कर लिया आपने, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है भैया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आपको पता होना जरूरी है। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, ओके भैया। अगर आपको जानना है कि भाई यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो हमें भैया किस में और जानना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में जानना है, तो आप भैया लास्ट क्लास यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है वो वाली क्लास देख लीजिए। और अगर आपको इसमें तो कल वाली क्लास में यानी कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव किसको ब्लड डोनेट कर सकते हो और किससे ले सकते हैं, इसमें तो मैंने आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में बताया है। और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और ओ पॉजिटिव दोबारा से देखिए, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किसे ले सकता है, इस वाली क्लास में मैंने आपको यूनिवर्सल डोनर के बारे में बताया था। बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप जाकर क्लास देख लीजिए, ठीक है। अब भैया इस क्लास में हम बात करें ए पॉजिटिव की और ए नेगेटिव की। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके से आप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किससे ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो देखिए उसके लिए आपको दूसरी चीज़ की आवश्यकता होगी, दूसरी चीज़ की क्या आवश्यकता होगी, जो मैं आपको एक नियम और सिखा रहा हूँ, अगर आपने उस नियम को ध्यान से सीख लिया तो सारी सिचुएशन सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अब आपने सुना होगा कि मेरा ए पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये सब ब्लड के टाइप है, ब्लड ग्रुप के टाइप है, ये ब्लड ग्रुप के प्रकार है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो भैया जब भी वो किसी को ब्लड डोनेट करेगा तो वो सिर्फ पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है,
नेगेटिव को नहीं कर सकता, लेकिन जब पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी से ब्लड लेगा तो वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव को भी कर सकता है, नेगेटिव को भी कर सकता है, लेकिन जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से ब्लड लेगा तो वो सिर्फ नेगेटिव से लेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने सीख ली, अब देखो भैया ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया दोनों का दोनों, लेकिन इनका जो पर्सनल रीजन है वो आपको खा देखने को मिलेगा। तो भैया ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर को जाकर देखिए, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है कि भैया ये ओ वाला बी को ही क्यों दे रहा है, यानी कि ओ वाला बी को, ए बी को और ए को क्यों दे रहा है, ये क्यों है सर्वदाता, सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये ए वाला है ये ए बी को ही, और ए को ही क्यों दे रहा है, ये बी को क्यों नहीं दे रहा, सारा खेल समझ में आ जाएगा, वहां जाकर देख लीजिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम भी मैंने सारा आपको बता रखा है, तो वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। आर एच एंटीजन के कारण होता है, आर एच पॉजिटिव यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जाता है, आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर देख लीजिए, वो डी एंटीजन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना। ब्लड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो जाकर चेकआउट कर लेना। ब्लड के बारे में आप जिस चैप्टर में पढ़ते हो वो वैसे तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, जिसमें हम हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल्स ही पढ़ाता हूँ, ब्लड वाला चैप्टर अलग पढ़ाता हूँ, ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर भी अलग पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया ये दोनों चीज़ें अब मैं तो आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर मैंने पहले पढ़ा रखा है कि नहीं, एक क्लास में मैंने इन सभी के बारे में बता रखा है कि भैया ये किसको ब्लड दे सकते हैं, कौन किससे ब्लड ले सकता है, है कि नहीं है। ब्लड डोनर का और ब्लड एक्सेप्टर का चार्ट बनाकर आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, तो ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि मैं आपको फटाफट बता दूँ। अगर आप पिछली, कहने का मतलब पिछली तीन क्लासों से अगर आप हमारे साथ हैं तो ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपने पिछली तीन क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे ले सकते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले ए पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ए पॉजिटिव की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इधर एक और बता देता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था, क्या कि एक किसको ब्लड डोनेट करेगा, तो ए करेगा भाई ए को करेगा, और ये ए बी को करेगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर मैंने आपको बताया था कि ए किससे ले सकता है, तो ए वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले, ओके। अब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, तो ए पॉजिटिव किसको ब्लड डोनेट करेगा, तो देखो पॉजिटिव हर हमेशा पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ए वाला ए को और ए बी को देगा, तो ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है भाई। ए पॉजिटिव किससे एक्सेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला किससे एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ए वाला किससे एक्सेप्ट कर रहा है, ए से और ओ से, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि ये ए पॉजिटिव से और ए नेगेटिव से और ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट ए से और ओ से कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता मैं यहाँ से लगा, ठीक है। अब ए नेगेटिव की बात करते हैं, तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति पॉजिटिव को भी कर सकता है और नेगेटिव को भी कर सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ए पॉजिटिव नेगेटिव को भी कर देगा और ये ए बी पॉजिटिव नेगेटिव को भी कर देगा, ठीक है। अब ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करेगा उसके बारे में बात करते हैं, तो भैया किससे, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ नेगेटिव से, तो ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई, दोबारा से देखिए, मैं आपको फिर दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। इस सारणी की सहायता से हमने ये चीज़ें सीखी, इसकी सहायता से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाया, कुछ नहीं है। ए पॉजिटिव किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो भैया ये डोनेट वाला ग्राफ है और ये एक्सेप्ट वाला ग्राफ है। तो जब भी ए डोनेट करेगा तो ए को और ए बी को करेगा, तो देखो यहां पर ये डोनेट कर रहा है, तीर का निशान इस ओर से जा रहा है इधर की तरफ, तो ए को मैंने ऐसे कैसे लिखा, ए बी को मैंने ऐसे कैसे ही लिखा। अब मुझे कैसे पता चला कि पॉजिटिव को करेगा या फिर नेगेटिव को करेगा, तो देखो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर हमेशा जब भी डोनेट करता है वो तो वह पॉजिटिव को करता है, तीन के ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया। अब ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को कौन ब्लड दे सकता है, तो देखो तीर का निशान इस ओर है,
तो कौन दे सकता है? तो ये जब भी ए एक्सेप्ट करेगा तो ए से और ओ से करेगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकता है, तो उसका मतलब ए पॉजिटिव और नेगेटिव दे देगा और ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दे देगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके आगे चलते हैं। अब ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है? तो ए तो भैया डोनेट तो ए को और ए बी को कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब भी ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कर सकता है, नेगेटिव वाला। तो ए पॉजिटिव और नेगेटिव को कर दिया देखो, और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को कर दिया, ठीक है भाई। अब ए नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, ए नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा तो ये किससे एक्सेप्ट कर रहा है? ए से और ओ से। तो ये ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ये एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आप पिछले 3 दिन से हमारे साथ हैं तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन दोनों चीज़ों की सहायता से आप ए का नहीं बी का भी निकाल सकते हो, ए बी का भी निकाल सकते हो, ओ का भी निकाल सकते हो, यानी कि ओ पॉजिटिव और नेगेटिव का निकाल सकते हो, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव का निकाल सकते हो, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव का निकाल सकते हो, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव का निकाल सकते हो। पिछले 3 दिनों में मैंने आपको ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव का निकाल कर दिखाया, इन्हीं की सहायता से ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का भी निकाल के दिखाया इन दोनों की सहायता से। आज मैंने आपको ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव का निकाल कर दिखा दिया, कल मैं आपको बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव के बारे में और निकाल करके दिखा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट करेगा? ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को। और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा? ए पॉजिटिव नेगेटिव से और ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव से, ओ नेगेटिव से। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए पॉजिटिव नेगेटिव को कर सकता है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव को कर सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा? ए नेगेटिव से और नेगेटिव से, ठीक है भाई। और आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर। और पिछले 3 क्लासों का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर भी आप देख लेना, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, 2 मिनट का समय और लूँगा, उसके बाद में मैं आपका समय नहीं लूँगा। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, उसमें 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्निशियन में, आरआरपी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, एग्जाम की डेट लिखी गई है। आप जाकर चेकआउट करो, मजा जाएगा। सभी क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया है। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका रेलवे में, मेरी गारंटी है। और इस बैच को सिर्फ रेलवे वाले नहीं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि उस चैप्टर में सारी की सारी चैप्टर की समझ है भैया, ठीक है। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन, फिजिक्स केमिस्ट्री के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो इन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हम पढ़ेंगे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखकर चले जाते हो। और वीडियो को लाइक करो और आपके छोटे भाई के लिए कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट 24 घंटा खुला हुआ रहता है, आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।